आज हम बात करेंगे सैमसंग के टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे दिसंबर 2022 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M54। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यह सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 1300। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें 4 रियर कैमरा सेटअप है 64+8+5+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। यह मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 6000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 25W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 28,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यह सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें 4 रियर कैमरा सेटअप है 50+5+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 25W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 19 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A53S। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.5 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यह सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 778G+ प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें 4 रियर कैमरा सेटअप है 108+12+5+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 25W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 30,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 23 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A42। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यह सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें 4 रियर कैमरा सेटअप है 48+8+5+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 25W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M23 5G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल HD TFT डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यह सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। यह मोबाइल आता है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 25W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 दिसंबर। तो दोस्तों ये थे सैमसंग के टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट यूर टाइम।